हेलो फ्रेंड्स, चलो अब बात करते हैं बोट की स्पीकर्स की। ठीक है, आप देख रहे हो मेरे टेबल पे बोट का स्पीकर है, रग भी, और ये हेडफोन्स भी पड़े हैं। ठीक है, तो आप समझ ही सकते हो मैंने दो प्रोडक्ट अपने पर्सनल यूज़ के लिए लिए हैं, तो ज़रूर इन प्रोडक्ट्स में कुछ ना कुछ मुझे बेहतर चीज़ लगी होगी, इसलिए मैंने ये सारे प्रोडक्ट बोट का लिया है। मैंने ये दोनों प्रोडक्ट मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया जनरली, तो मैं ये कोई प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग नहीं करूँगा, मैं आपको क्विक फीडबैक दूंगा। ये मैं प्रोडक्ट आपको 7 से 8 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, वो फीडबैक दूंगा। एक्सपीरियंस क्या रहा मेरा इस बोट रग्बी के लिए वो मैं बताऊंगा। इसका बैटरी बैकअप कैसा है, बटन्स कैसे काम कर रहे हैं, चार्जिंग कैसा है, इसकी बिल्ड क्वालिटी अभी भी 6 महीने के बाद कैसी है, सब कुछ मैं आपको तुरंत बताने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में। मेरा नाम है विशाल और मैं आपको सारे कुछ इस बोट रग्बी के बारे में बताने वाला हूँ इन दिस वीडियो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फ्रॉम द बिल्ड क्वालिटी। जैसा कि आप सभी जानते हो, आप फ्लिपकार्ट पे रिव्यू भी देख चुके होंगे, ये प्रोडक्ट की बिल्ड क्वालिटी ज़बरदस्त है। ठीक है, आप देख सकते हो कितने सारे प्रोडक्ट्स बिके हैं ये बोट रग्बी के, कितने पीसेस बिक चुके हैं फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन। ठीक है, चलो बात करते हैं अपने एक्सपीरियंस की, फीडबैक का। ठीक है, अभी ये जो दो स्पीकर है अब देख रहे हो, ये 10 वॉट का स्पीकर है, 5 वॉट इधर है, 5 वॉट इधर है। बेहतरीन लाजवाब आवाज़ है इसका, इस स्पीकर का कोई वाइब्रेशंस नहीं है, कुछ फटने ऐसा आवाज़ नहीं है। मैंने इसको 6 महीने फुल वॉल्यूम में यूज़ किया है, ट्रस्ट मी गाइस, लैपटॉप में, मोबाइल में, हर जगह फुल स्पीकर में, फुल आवाज़ में मैंने यूज़ करा है, और ये प्रोडक्ट हर जगह खरा उतरी है। ऐसा हुआ भी नहीं एक जगह भी कि मुझे डिसअपॉइंट होना पड़ा है इस प्रोडक्ट को लेके। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी के जैसा मैंने बोल दिया आप सभी को, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। ये मेरा ये जो स्पीकर है 3-4 बार मेरे बहुत ही मतलब कभी कभी बेड से गिर गया, कभी टेबल से गिर गया, मैंने इस प्रोडक्ट को कुछ नहीं देखा कि कुछ डैमेज हो गया, बिंदास चल रहा है, चार्ज करो बिंदास यूज़ करो। ठीक है, रहा बात बटन्स का, जैसा कि आप बटन जान ही रहे हो, बहुत सारे वीडियो आप देख ही चुके होंगे, ऑन ऑफ का है, वॉल्यूम माइनस करने का है, वॉल्यूम बढ़ाने का है, ये पॉज और कॉल रिसीव करने का बटन है, ये ब्लूटूथ का जो ब्लू आइकन है इसका मतलब ब्लूटूथ से कनेक्टेड हो आप। ठीक है, दूसरी चीज़ बैटरी पे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है आजकल के मार्केट में। मैंने जब नया लिया था तो ये आराम से चलता था मेरा, 5 घंटा चलता था, लेकिन अभी मैं उतना नहीं बोलूँगा, 2.5 घंटा मेरा चल रहा है फुल चार्ज पे, ये 2.5 आवर्स चलती है और फुल चार्ज हो जाती है 3 घंटे में, जैसा कि शुरू में भी था, 3 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है आराम से। आज के डेट में 2 से 3 घंटा यूज़ कर लेता हूँ विद फुल वॉल्यूम गाइस, ट्रस्ट मी। ठीक है, मुझे मुझे मैंने एक यहाँ पे पहले से एक रस्सी बंधा आता था, वो रस्सी थोड़ी पुरानी हो गई थी, टूट सी गई थी, तो इसलिए मैंने एक नया इसमें बांध दिया है टेक्टाइल, उससे भी मजबूत, ताकि मैं इसको कहीं भी टांग सकूँ, कहीं भी यूज़ कर सकूँ। एकदम बिंदास स्पीकर है, एकदम आप कुछ भी इस प्रोडक्ट को लेके कोई रिव्यू मत पढ़ो, आँख बंद करके ये प्रोडक्ट जाके ले लो, ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, बिल्ड क्वालिटी सब कुछ अच्छा है। चलो दूसरी चीज़ मैं बात करता हूँ इसकी, चार्जेस, चार्जिंग पॉइंट्स की, चार्जिंग पॉइंट हो गया, ऑक्स केबल हो गया, ज़बरदस्त है चार्जिंग। इसमें तो वो दिया था अपने को, क्या बोलते हैं उसको, डेटा केबल जो भी है, केबल था उससे चार्ज करता हूँ, तो मैं केबल वो आज तक यूज़ नहीं करा, मैंने अपने सैमसंग के चार्जर से ही यूज़ करा है, तो फटाफट चार्ज भी हो जाता है। जैसा चार्जर यूज़ करो, स्लो है, फास्ट चार्ज है, जो डिपेंड करता है चार्जर पे। ठीक है, और ये वायरलेस जो इसका मिक है ना, मतलब जब आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करोगे, मिक ऑन करोगे, फ़ोन आती है, तो मतलब अच्छी है आवाज़, आप किसी भी मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस पे हो, आराम से सामने वाले को आपकी आवाज़ सुनाई दे देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो आँख बंद करके ये बोट का प्रोडक्ट आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रस्ट मी गाइस। चलो वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कुछ जानना चाहते हो इस प्रोडक्ट के बारे में डेफिनेटली आप कमेंट करो, और इसी तरह जुड़े रहो मेरे वीडियो से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइज़।